सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम बात करेंगे उपमा कथा 16 के बारे में, जिसका टॉपिक है लंगर के दो गुण। तो इसमें राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, आप कहते हैं कि एक भिक्षु को अर्हत बनने के लिए उसमें लंगर के दो गुण होने चाहिए, तो वो दो गुण क्या है, कृपया इसके बारे में बताइए। लंगर यानी मैं बता दूं कि जो समुद्र में जहाज चलते हैं, तो उन जहाज में ऐसा एक आंकड़ा बना हुआ होता है, उसे वो समुद्र में डालते हैं, जिससे कि वो जहाज जो है एक जगह ठहरा हुआ होता है, उसे लंगर कहते हैं, या वो रस्सी से बांध देते हैं, तो फिर जहाज जो है वो इधर उधर जाता नहीं है, उसे लंगर कहा जाता है। तो भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, समुद्र की तरंगों के बीच लंगर बैठ जाता है, नाव को खड़ी कर देता है और इधर उधर डोलने नहीं देता, जाने नहीं देता। वैसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु ने राग द्वेष मोह की बड़ी बड़ी तरंगों में अपने चित्त का लंगर डालकर अपने को स्थिर कर लेना चाहिए, अपने चित्त को विचलित नहीं होने देना चाहिए। यानी राग द्वेष मोह, ये जो तरंगे है, इसको अपने चित्त के माध्यम से, चित्त का लंगर डालकर इसको स्थिर कर लेना चाहिए, या अपने चित्त को स्थिर कर लेना चाहिए। महाराज, लंगर का यही पहला गुण होना चाहिए। आगे भिक्षु नागसेन दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं कि महाराज, लंगर उपल आता नहीं है। उपलाता है ना, पानी में कोई चीज डालो जैसे ऊपर आता है ना, तो उपलाता नहीं है, लेकिन 100 हाथ गहरे पानी में भी डूब कर बैठ जाता है और नाव को वहीं पर लगा देता है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्कू को लाभ सत्कार यश प्रतिष्ठा पूजा वंदना आदर यहाँ तक कि स्वर्ग मिल जाने से भी उपलाना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर भी उचकना नहीं चाहिए, जैसे पानी में बॉल डालने पर वो ऊपर आती है। महाराज, लंगर का यही दूसरा गुण होना चाहिए। आगे भिक्षु नागसेन अपनी बात के समर्थन में कोटेशन देते हैं कि महाराज, धम्म सेनापति महाथेर सारिपुत्त ने भी कहा है कि जैसे समुद्र में लंगर उपलाता नहीं बल्कि बैठ जाता है, वैसे ही लाभ सत्कार से मत उपला जाओ, अपने को गंभीर और स्थिर रखो। बहुत गहरा मीनिंग है इसका, इसको अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।